नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा लाइव न्यूज। मैं रवि कुमार गुप्ता, अभी मैं केएस कॉलेज दरभंगा लहरियासराय में उपस्थित हूँ। यहाँ मैं छात्र संघ चुनाव को लेकर के दंगल हो रही है, जिसमें छात्र क्वेश्चन करेंगे और छात्र नेता जवाब देंगे। केएस कॉलेज को किस तरीके से आगे ले जाना है, ये अब छात्र हित में चली गई है और छात्र ही इसे आगे बढ़ा सकते हैं। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने 33 के 33 उम्मीदवारों को वैध घोषित किया है स्क्रूटनी होने के बाद में। आज यहां लाइव दंगल हो रही है, जिसमें क्वेश्चन एराइज होगी और छात्र नेता जवाब देंगे। एबीवीपी के से प्रियंका अध्यक्ष पद पे खड़ी हैं, सुशांत आनंद है काउंसिल मेंबर पे और महासचिव है हरि ओम नारायण। ये हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, और छात्र जदयू से राज कपूर प्रेसिडेंट पे है और माधव कुमार चौधरी काउंसिल जनरल सेक्रेटरी पे हैं और विवेकानंद झा काउंसिल मेंबर पे हैं। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मरियम है और मैं उपाध्यक्ष पद से खड़ी हूँ। मुझे मतलब कि यहाँ की जो व्यवस्था है, मुझे यहाँ की जो व्यवस्था है वो थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। जो पहले जो थी, क्या पहले जो अच्छी थी अब नहीं है, वो क्या प्रॉब्लम है केएस कॉलेज में, जिसके प्रति आप अध्यक्ष पद से खड़ी हुई हैं? आप क्या सोच करके खड़ी हुई हैं और क्या आप निदान यहाँ का करवाइएगा, क्या छात्रों के हित में आप काम कीजिएगा, इसके विषय में आप बताइए। जैसे कि यहाँ पे सेक्रेटरी की प्रॉब्लम है, यहाँ जैसे कि यहाँ कोई बाउंड्री ऐसा कुछ नहीं है, कोई अदर जैसे कोई भी जाते हैं लड़कों मतलब कि तो प्रॉब्लम होती है ऐसे में। प्रियंका कुमारी जो कि एवीपी की कैंडिडेट है, उनका कहना है कि कॉलेज में सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है, आज असामाजिक तत्व की अंतर एंट्री हो जाती है, जिसको लेकर के छात्र के छात्राओं के हित में कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। अगर ये जीतती है तो यह इस कार्य को आगे बढ़ाएंगी और छात्र हित में सिक्योरिटी का यहाँ पर बढ़ाएगी इस काम को। आइए हम बात करते हैं। अब राज कपूर प्रेसिडेंट हैं छात्र जदयू से, जी बताइए क्या आप क्या काम करेंगे अगर आप जीतते हैं यहाँ से? तो काम पूरा सब करेंगे, जहाँ तक जाना हो यूनिवर्सिटी में हमारे सर जीते हुए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे। जितना भी यहाँ जो प्रॉब्लम है, फिलहाल तो अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है, सब प्रॉब्लम का समाधान हो चुका है। अभी सिलेक्शन के बाद जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ वो भी काम हो जाएगा। आप छात्रों के बीच में क्या लेकर के जाएंगे कि छात्र जदयू के सारे पैनल पे जो उम्मीदवार आपके खड़े हैं वो जीते और कॉलेज के पक्ष में आप अपना काम करें और कॉलेज का नाम आगे बढ़ाएं? कॉलेज के लिए भी काम करेंगे। क्या काम कीजिएगा? जैसे अभी है ना, साइकिल स्टैंड नहीं है कॉलेज में, साइकिल स्टैंड का काम होगा और वॉइस मॉनिटरिंग होगा और कॉलेज पे गार्ड का भी व्यवस्था आने वाला है। पहला इलेक्शन के बाद दो गार्ड रहेगा गेट पे। आप छात्र हैं केएस कॉलेज के, आपको क्या परेशानी है अगर यहाँ से किसी भी आप छात्र संगठन को वोट करते हैं, उनसे क्या आप एक्सपेक्टेशन करते हैं कि यहाँ से वो जीते तो आपके कॉलेज में इस चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आवर इलेक्टेड मेंबर्स की देयर मस्ट बी नीड टू प्रॉपर बॉयज कॉमन रूम एंड गर्ल्स कॉमन रूम, ठीक। और उसके बाद हम ये भी चाह रहे हैं कि यहाँ प्रॉपर कॉलेज के अंदर आने से एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ बॉयज हैं और गर्ल्स हैं तो उनको समस्या ना हो। और उसके बाद है क्या, कुछ इस तरह की समस्या आती रहती है स्टूडेंट को, जहाँ प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है कि कहाँ कौन से सेक्शन हैं, किस तरह की बातें हैं, और उनको हेल्प भी नहीं मिल पाता, तो उनकी सॉल्यूशन कैसे होगा वो मैं, जैसे कि ये दोनों प्रेसिडेंट साहब हैं, अगर ये चुने जाते तो कैसे करेंगे, मेरा उनसे ये क्वेश्चन। चलिए हम संगठन वालों से बात करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, प्लस यहाँ कॉमन रूम नहीं है बच्चों के लिए, जिससे वह आए अपना थोड़ा देर रेस्ट भी करें, क्योंकि दूर दराज से आते हैं पढ़ने के लिए। इन्होंने जो बोला है तो सरकार मतलब उसके बारे में हम लोग बहुत करेंगे आगे।
क्या नाम हुआ आपका? जी मैं विवेकानंद, मेरा नाम काउंसिल मेंबर बच्चे आरजेडी से बोल रहा हूँ। सर मैं, इन्होंने कहा कि मैं छात्र गर्ल्स कॉमन रूम और बॉयज कॉमन रूम पे बात करूँगा। गर्ल्स कॉमन रूम तो ऐसे हमारे कॉलेज में है वर्तमान, और छात्र संघ का इन्होंने कहा कि NSCY पिछली बार था, मैं NSCY को भी दोस्त मानता हूँ, वो जो कैंडिडेट थी उनकी, और ABBP 2017 में हमारे विश्वविद्यालय से ABBP का ही, और हमारे कॉलेज से वो जो अध्यक्ष थे वहाँ का, वो हमारे कॉलेज से ठीक। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी बोला था कि हम यहाँ ग्राउंड का व्यवस्था करवाएंगे, बाउंड्री करवाएंगे, या शौचालय का जो है सो अच्छा से व्यवस्था करवाएंगे। उन्होंने क्या किया, फिर पिछले साल NSCY से आए हमारे अभिलाषा कुमारी जी, शायद नाम था उनका, शायद ही कोई स्टूडेंट यहाँ पे बतलाएंगे कि हमने उनको एक भी दिन यहाँ पे देखे हो, कभी नहीं वो आए। वो भी उसी मुद्दा को आए थे कि हम यहाँ पे ग्राउंड बनवाएंगे, हम यहाँ शौचालय का अच्छा व्यवस्था सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुआ ठीक ना। हम लोग ये कहते हैं कि गर्ल्स कॉमन रूम यहाँ पे है, व्यवस्था है, अगर कोई गर्ल्स बाहर रहती है तो वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो गर्ल्स रूम में जाके बैठे। हाँ, हम लोग इतना कहेंगे कि हम प्रिंसिपल सर से अगर जीतते हैं तो प्रिंसिपल सर से इसके लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रूठेंगे, उनको मनाएंगे, वो रूठेंगे, उनको मनाएंगे, हम रूठेंगे, लेकिन गर्ल्स कॉमन रूम करवाएंगे। इनका कहना है कि LNMU के पैनल पे AUP की जीत हुई थी, जो कि काउंसिल मेंबर वोटिंग करते हैं, जो कि 15 दिसंबर को होने वाला है वो इलेक्शन। उस इलेक्शन में AUP के सारे पैनल पे उम्मीदवार खड़े थे और उन्होंने भी जीता था, सचिव, अध्यक्ष पद, महासचिव, सारे पद AUP के ही जीते हुए मेंबर्स थे। लेकिन यह कह रहे हैं कि हम लोग उनसे भी बोले कि यहाँ की ग्राउंड की व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया है। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये अब बोल चुके हैं कि वहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिला है, लेकिन इस बार अगर ABBP जीतती है तो अपने कॉलेज के लिए वो ग्राउंड की व्यवस्था करवाएंगे। ये सोचने वाली बात है कि LNMU के पैनल से ABBP की भी जीत थी। वहाँ के छात्र नेता उत्सव प्राशर है, सचिव पद पे थे, उनके द्वारा भी वह कार्य नहीं हो पाया। मेरा नाम शुभम कुमार झा हुआ और मैं यहाँ पे काउंसिल मेंबर पद के लिए उम्मीदवार खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी छात्र हैं और जितने भी नॉमिनेशन करवाए हैं ठीक है, उनका एक मिनट अटेंडेंस की तो छोड़िए, अगर हम यहाँ पे 75% अटेंडेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें खुद यहाँ पे 75% अवेलेबल रहेंगे, उसके बाद हम किसी को बोलेंगे। तो क्या यहाँ 75% होता है? देखा, अपेयरिंग बिल्कुल नहीं होता है, बहुत कम होता है। ये आते नहीं, बोलते हैं फैकल्टी नहीं है। फैकल्टी कौन सा नहीं है? हमारे प्रिंसिपल साहब ने, ऐसा प्रिंसिपल हम लोग का नसीब में मिला है, तो प्रिंसिपल साहब के वजह से आज हमारे कॉलेज में सारे फैकल्टी अवेलेबल हो गए आज के डेट में। हम जैसे ये बाउंड्री की बात कर रहे हैं, बाउंड्री से हमने सर से बोल के 4 महीने सर ने आज तक रेस्ट वर्ल्ड नहीं है सर के नाम में, और सर ने बाउंड्री का भी शिलान्यास करवा दिया है। बहुत ही जल्द इस कॉलेज में बाउंड्री भी हो जाएगा और जिम का व्यवस्था, हर एक चीज़ का। और यहाँ पे इस कॉलेज में हम लोगों ने NSS का भी कर दिया, और छात्र जदयू के तहत मैंने इस कॉलेज में पूरे साल मेहनत किया है, और छात्र जदयू का जितना भी कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल है सभी आगे मेहनत करते हैं। और बात रही इनकी ABBP की, तो ABBP वाले जितने भी कैंडिडेट इनकी 2017 में भी, छात्र फंड से यहाँ पे जितना भी पानी पीने के लिए छात्र का व्यवस्था किया गया, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड लगाया गया है यहाँ पे इस कॉलेज में सभी जितने भी टीचर हैं सभी सपोर्टिव हैं, सभी सारे जितने भी हैं सब सपोर्ट करते हैं बच्चों को। बच्चे कम से कम आए तो क्लास चलता है, वो क्लास में जाके बैठेंगे तब ना, हम अगर इस कॉलेज के बारे में कुछ जानेंगे नहीं तो बोलेंगे क्या। चलिए आगे हम बढ़ते हैं AUP के पास में। अभी हम AUP से बात करेंगे कि इनका ऑब्जेक्शन है कि 75% यहाँ पे अटेंडेंस नहीं होने के बावजूद भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, और प्रिंसिपल से जो भी सहयोग मिला है अभी तक वो कॉलेज के लिए बहुत सारे काम हुए हैं। अब हम इनसे बात करेंगे कि क्या बोल रहे हैं। सर मेरा नाम हरिओम नारायण हुआ और मैं कॉलेज पे महासचिव पोस्ट के लिए खड़ा हुआ। जहाँ तक इन्होंने क्वेश्चन किया कि 75% का मुद्दा उठाते हैं, तो सर एक बात बताइए, कॉलेज में हम आएंगे
लेकिन पढ़ाई होगा तब तो हम आएंगे ना कॉलेज में, दिन काटने के लिए। ये लोग साल में एक बार आते हैं, ये लोग साल में एक बार आते हैं, इलेक्शन के टाइम ये लोग आएंगे, ये लोग नहीं नजर आएंगे, इलेक्शन भरी लोग नजर आएंगे, उसके बाद लोग नजर नहीं आएंगे। अभी इलेक्शन चल रहा है, मैं दिखाऊंगा, मैं अपना क्लास करके मैं यहाँ पे आया हूँ। हम भी आए क्लास एंकर महोदय से मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, विद्यार्थी परिषद का जो उम्मीदवार था वो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोल रहा था जो क्लास के होता है, और जब हमारे प्रत्याशी बोले जो हम क्लास करके आए तो उन्होंने भी कटाक्ष में बोला हम भी क्लास करके आए हैं, मतलब बड़ा झूठ यहां पे क्लियर हो रहा है। जितने भी मतदाता है, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, सबसे अनुरोध है जो बरसाती मेंढक से बच के रहे और अपना वोट रूपी आशीर्वाद को दे। चलिए साढ़े चार संगठनों से बोल रहा हूँ, शांति पूर्वक डिबेट हो रही है, ये डिबेट कर रहे हैं, इनके सवाल का आप जवाब दीजिएगा और ये इनके सवाल का आप जवाब दीजिएगा, ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें। यहाँ पे प्रिंसिपल सर आए हैं तो तब हम लोग केमिस्ट्री की क्लास, यहाँ पे क्लास करने के लिए केमिस्ट्री वाले सर नए आए थे, उन्होंने बी एच यू से आए, उन्होंने हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में भी हेल्प किया था केमिस्ट्री सब्सिडी में, सेकंड पार्ट में भी हेल्प किया था, लेकिन जब हम लोग फिजिक्स टीचर के पास गए वो बोले थे कि बच्चा यहाँ पे टीचर की कमी है, इसीलिए हमको बहुत सारा काम रहता है जिसके कारण प्रेशर से नहीं पढ़ा पाते हैं, और उसके बाद और सारे टीचर की कमी है, इस बात को मानना पड़ेगा। इस चीज का कंप्लेन आपको अगर सुनते हैं तो आपको भी सुनना पड़ेगा। शौचालय अभी है चुनाव तो शौचालय साफ है, लेकिन कुछ दिन के बाद आएगा शौचालय साफ यहाँ पे नहीं है तो बता देंगे, अभी वर्तमान में एनएस सुनवाई का अध्यक्ष हम बोला करते कि अभी यहाँ पे पीछे में बाउंड्री वाले यहाँ पे गटर बना दिया गया, बाउंड्री वाले पूरा जवाब देंगे हम, ठीक है, पीछे में बाउंड्री या पीछे में जो है खेलने वाला मैदान उसको गटर बना दिया गया, बहुत सारा कचरा कर यहाँ पे असामाजिक तत्व वहाँ पे खेलते रहते हैं हमेशा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कबड्डी की व्यवस्था है, हम बोलते हैं कि जब सब कुछ व्यवस्था है तो आप फुटबॉल की भी यहाँ पे व्यवस्था कीजिए और क्रिकेट की भी व्यवस्था कीजिए, और जहाँ तक
आपका विवाद प्रतियोगिता भी कराई। मैं पूछा चाहता हूँ एनएसवाई वाले से, क्या पिछले साल हम लोग का अध्यक्ष था नौ सूत्र में वीर कुंवर सिंह का, जो वीर कुंवर सिंह जन्मदिन पे जयंती मनाया गया था, लेकिन इन लोगों में दूसरा ग्राम सब लोग जीते एक बार देखने के लिए भी नहीं आए कि वीर कुंवर सिंह जो है आज उनके प्रतिमा में देखे किस तरह से गंदगी फैला हुआ है। लेकिन कल देखने वाला नहीं आया था, यही कहना चाहते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं तो स्वास्थ्य परंपरा का विकास कीजिए। बात सुनिए, हम भी आपकी बात सुनते हैं, आप जवाब देते हैं, हम भी आपके सवालों का जवाब देते हैं। इस तरह से इनका कहना है कि एनएसयूआई यहाँ से जीते हुए थे, उन्होंने कुछ कार्य भी नहीं किया, जबकि कुंवर सिंह के जन्मदिन के अवसर पर पिछले साल बनाया भी गया था, लेकिन इस बार ऐसा जन्मदिन भी नहीं मनाया गया उनका। ये एवीपी का कहना है कि एनएसयूआई की व्यवस्था कुछ थी नहीं। अब हम जदयू से पूछ रहे हैं कि उनका क्या कहना है इस विषय पर। ठीक है, पहली बात तो मैं इनको ये बोलना चाहेंगे, जो शायद लग रहा है इन्होंने देखा नहीं, अखबार नहीं पढ़ते हैं, चाहिए उसके बाद अखबार भी नहीं पढ़ रहे हैं। बी ए स्टूडेंट, हमको इनको राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन बी ए स्टूडेंट, पहले ये स्टूडेंट है तो इनको पेपर पढ़ना चाहिए। ठीक है, बात रही इनकी जयंती की, इनकी जयंती के दिन अगर ये अगर नहीं देखे हैं तो अभी भी वो जाके देख ले, रिकॉर्ड है। मैं ही कुंवर सिंह बना, इनका कहना है जदयू का। जदयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इससे आपको क्या बोलना होगा, क्या बोलना होगा, बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव किसके हैं? आप जेडीयू के रिप्रेजेंटेटर है या एनएसयूआई के रिप्रेजेंटेटर, सॉरी जेडीयू के हैं या एनएसयूआई के रिप्रेजेंटेटर? एनएसयूआई का बात यहाँ हो ही नहीं रहा है। ये जो बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉलेज की जो कॉलेज इनको अनुभव नहीं है, ये जो पीछे की ग्राउंड की बात कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब, उस ग्राउंड मैंने पहले ही बता दिया था, जो ग्राउंड बनने वाला है आपके ही नगर विधायक संजय सराफ जी नहीं बनने दिए थे। अभी भी उस चीज का केस हमारे स्टाफ पे चल रहा है, संजय सराफ जी हमारे, अभी भी उस चीज का केस हमारे स्टाफ पे चल रहा है, संजय सराफ जी हमारे, अशोक सर के ऊपर केस चल रहा है। हमारे पिछले प्रधानाचार्य, उन्होंने बहुत कुछ किया था हमारे कॉलेज के लिए, जो खड़ा हुए थे उस टाइम उनको उनके ऊपर सभी पे केस हुआ था। अभी के मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बाउंड्री वॉल संजय सराफ जी ने बना देना चाहते हैं? जी हां, विद्यार्थी परिषद के हैं तो हमारे कॉलेज क्यों आए? विद्यार्थी परिषद के नहीं है वो, भाजपा के हैं। कॉलेज में इस साल भी फंड आया था, लेकिन इस बार एनएसयूआई का आदमी एक बार भी टच नहीं किया था उस फंड को। कैसे करेगा, कैसे करेगा, उनके पास क्यों नहीं कर सकता? वो जो फंड की आप बात कर रहे हैं, आप अपना मुद्दा बताइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? बता रहे सुनिए, एनएसएस हमने कॉलेज को करवाया था, और आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं, इस कॉलेज में हमने मेहनत करके एनएसएस को उस ऊंचाई पे दिया है, और बोले जीतने के बाद हम एनसीसी भी लाएंगे इस कॉलेज में, और एनसीसी भी लाएंगे, और जदयू का जितना बच्चा है सब एनएसएस में से एक्टिव रहता है, और जितना भी है पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। आप कैसे बोलते हैं कि जदयू से आएगा एनएसएस? नहीं नहीं, जदयू का जीत, जदयू आप रुक जाइए, बोलने तो नहीं, नहीं नहीं, सुनिए, पार्टी पॉलिटिक्स, सुनिए सुनिए
बात अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। हम समझ रहे हैं ना, आपको बोला ना जदयू से है तो एनएसएस से अलग है, जदयू वाला भैया कैंडिडेट कैसे सही से सरकारी कैंडिडेट कैसे खड़ा किया जाता है? सुनिए ना भाई, किसको आप खड़ा करते हैं? आप किसको खड़ा करते हैं? जो बच्चा रेगुलर क्लास करता है यही खत्म करते हैं। दोनों संगठन को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना टाइम रहमतुल्लाह साहब को भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें यह टाइम दिया है। अभी हम आगे रहमतुल्लाह साहब से भी बात करेंगे कि उनकी क्या बातें हैं। अब हम लोग केएस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब से बात करेंगे। सर, यहाँ के छात्र संगठनों द्वारा यह बोला गया है कि यहाँ शिक्षक की कमी है, पढ़ाई नहीं हो पाता है, जिसके द्वारा बच्चे आ नहीं पाते हैं, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज बच्चों का जो जोश देख रहे हैं, हमारे 33 बच्चे तमाम मतलब के पद के लिए उम्मीदवार बने हैं। ये 33 में जीते या हारे, ये 33 के 33 बच्चे आज से इनको नेता का हम खिताब देते हैं। ये तमाम बच्चे हमारे इन 33 बच्चे में जो भी बच्चा मेरे पास आवेगा, जिस तरह का कोई भी मतलब के किसी भी कोई शिकायत लेकर के आवेगा, हमारी प्राथमिकता होगी कि हर काम को छोड़ करके पहले इन बच्चों के प्राथमिकता को देखें। शिक्षकों की कमी के बारे में हम आपको बता दें कि गेस्ट टीचर के रूप में भरपूर टीचर हमारे यहाँ आ गए हैं और बीपीएससी से भी हमारे कॉलेज के नंबर शिक्षक आ गए हैं। हमने एसएमएस का प्रावधान किया है, तमाम बच्चों को, यहाँ जितने बच्चे हैं सभी बच्चों को हम एसएमएस देते हैं कि आपके टीचर आ गए हैं, आप आके यहाँ क्लास कीजिए। और ये बच्चे जो चुन करके आएंगे, इनको हम फिर भी एक बार हथियार बना करके, अगर हमारे यहाँ क्लास चलने में देरी हो रही है तो इन बच्चों के माध्यम से हम क्लास चलवाने का पूरा जोर करेंगे। और हम आपको ये भी बात बतला दें कि जितनी भी समस्या है, चाहे बाउंड्री वाल का समस्या हो, चाहे रोड को ऊंचा करने, क्लासरूम को ऊंचा करने की समस्या हो, गर्ल्स कॉमन रूम और बॉयज कॉमन रूम को, और जो छात्र संघ का ऑफिस है उसके बनाने की समस्या हो, नीचे से जो असामाजिक तत्व आकर के हमारे मतलब के फील्ड को एक जुआ का अड्डा बनाए हुए हैं, और जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पर एक अड्डा बनाए हुए है, इन बच्चों इन पर भी हमारी पूरी की पूरी नज़र रहेगी और इसको हम कोशिश करेंगे पूरा करने के लिए और इन्हीं बच्चों की मदद से करेंगे। ये नहीं कि जो बच्चे हमारे 11 बच्चे या 10 बच्चे जीत के आएंगे उन्हीं बच्चों से नहीं, बल्कि हमारे जो भी बच्चे, जो 33 बच्चे हैं, उसके अलावा भी जो हमारे बच्चे अभी खड़े नहीं हुए हैं किसी कारण बच्चे, लेकिन उनके मुंह के अंदर में जुबान है, अगर वो बोलने के लिए हमारे पास आते हैं तो उनकी बात को हम प्राथमिकता से पूरा करने का भरपूर कोशिश करेंगे। और ये हमारा अभी 5 महीना है, 5 महीने के अंदर में हमने जो काम अभी यहाँ पे किया है, इन तमाम बच्चे हमारे काम से वाकिफ हैं और इसलिए हम अपने आप को छात्र संगठन जो ऑब्जेक्शन लगाया था कि यहाँ पर ये चीज की सुविधा नहीं है, विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन है, सिर्फ विद्यार्थी परिषद के द्वारा बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे। चलिए, विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे उन पे जवाब दिया गया है। छात्र संगठनों के द्वारा जो भी ऑब्जेक्शन लगाया गया है, प्रिंसिपल साहब के द्वारा पूरा निष्पक्ष उसका बोला गया है कि जो भी निदान होगा वह पूरा किया जाएगा।
धन्यवाद।